एक थिन रॉड है जिसकी लेंथ एल है, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एल तक है, और लैम्डा वेरिएबल है, देख रहे हो एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको क्या निकालना है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम एक्स इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब ये सुन लो, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास अगर आपको उन फिगर्स का निकालना है जिसमें डेंसिटीज चेंज होती हैं, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर तो पॉइंट मासेज होते एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव, आप फॉर्मूला यूज कर लेते एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री, खत्म। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है यहां भी मास है, यहां भी मास है, यहां भी मास, मास 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 है, कितने हैं, इनफाइनाइट है, जितना मर्जी तोड़ लो, दो लाख तीन लाख जितने मर्जी बोलते जाओ, इतने मासेज हैं। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है, मैं एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री के फॉर्मूले तो यहां पर लगा ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ मासेज ही बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक ये है कि आप इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, मान लो इसकी लेंथ डी एक्स है और मास इसका डी एम है, और ये एलिमेंट आप कितनी दूरी पे लेंगे, मान ले एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स लेंगे, बनाए एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स लेंगे, तो आप ये कहाँ पे लेंगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। क्यों लेंगे, मैंने आपको आज सिखाया था आपको टोटल मास चाहिए होगा, टोटल मास कैसे निकलेगा, बाय इंटीग्रेशन। अब जिनमें डेंसिटीज चेंज होती हैं और मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। प्लीज ये फॉर्मूला फॉर्मूला रजिस्टर में भी एंटर करें। और ऐसी वाई सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू वाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये नोट करें, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और ये तब यूज करते हैं जब मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि एम वन एक्स वन तो चलता नहीं ना, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू चल ही नहीं सकता, कैसे यूज करना भी समझाऊंगा। फिलहाल ये फॉर्मूला नोट करें, ठीक है यहाँ तक, तो ये फॉर्मूला नोट करें। अब इम्पॉर्टेंट ये है ये फॉर्मूला कैसे बने, आप बस मुझे ये बताएं, अगर ये फॉर्मूला ना पता होता आपको तो शायद आप ऐसे कुछ ऐसे बोलते मुझे कि सर पहला मास ये ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एम वन जिसकी दूरी यहाँ से कितनी है एक्स वन, फिर एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री एम फोर एक्स फोर एम फाइव एक्स फाइव एम सिक्स एक्स एंड सो ऑन। तो मैंने कहा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर क्या फैसला किया, हर एलिमेंट का मास डीएम 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 है और चेंज हो रहा है सबको मालूम ही है, तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो डीएम डीएम जिसकी दूरी कितनी है एक्स। जैसे मन में सोचो पहला एलिमेंट यहाँ है ना, पहला एलिमेंट एक्चुअल तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट लेने हैं, तो डीएम मतलब एम वन इंटू एक्स वन, फिर अगला एलिमेंट डीएम इंटू एक्स डीएम इंटू एक्स डीएम इंटू एक्स सबको मिलाते जाओ, मिलाने को क्या बोलते हैं, क्या कर दें इंटीग्रेशन। देखो ना इंटीग्रेट को ओपन करेंगे तो एक तरीके से ऐसे बन रहे एम वन इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू प्लस एम थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस एम वन एम टू की जगह डीएम की फॉर्म में चलता जा रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट का ये जो काम है वो यहां से यहां तक चल रहे हैं और डीएम भी चेंज हो रहा है और एक्स भी चेंज हो रहा है। तो डीएम इंटू एक्स का मतलब एम वन एक्स वन लेना, एम टू एक्स टू लेना, और मिलाने का मतलब ऐड करने का मतलब मिलाना इंटीग्रेट करना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब टोटल मास एक मास तो है नहीं, इसका मास भी कैसे निकलेगा, बाय
इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे बना। अब क्योंकि ये रॉड x में पड़ रही है तो x का फॉर्मूला, y में पड़ी होती तो y का फॉर्मूला लगा देते। तो इसके अंदर क्योंकि ये x में चल रही है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके अपना आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, तो आंसर ऐसे निकलेगा कि आप इस फॉर्मूले को, फॉर्मूले में क्या यूज़ करेंगे, पहले आप x सेंटर ऑफ मास में dm पुट करेंगे। अब dm क्या है, dm की वैल्यू है लैम्डा इंटू dx, स्मॉल लेंथ आज सिखाई ना मैंने dm कैसे निकालते हैं रॉड में, आप अपनी कॉपी चेक करें क्या सिखाया था, लैम्डा इंटू dx। तो पुट कर दें इसमें लैम्डा इंटू dx इंटू x डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी लैम्डा इंटू सिर्फ dx, x नहीं है इसमें, लैम्डा इंटू x, क्लियर है। एक कॉमन मिस्टेक, सर dx से dx काट दें, नहीं कर सकता, ऊपर की इंटीग्रेशन अलग है नीचे की इंटीग्रेशन अलग है, इसको काटना नहीं है। तो इसमें x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी की मैंने 4x, 4x dx x डिवाइडेड बाय 4x dx, कहाँ से कहाँ तक, x की लिमिट क्या है, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक, क्योंकि पूरी रॉड की लेंथ कितनी है 0 से l, क्लियर है यहाँ तक। तो x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी, न्यूमिनेटर में से 4 कांस्टेंट आ गया, x स्क्वायर dx बच गया 0 से लेके l तक, डिनोमिनेटर में 4 कांस्टेंट आ गया, x dx बच गया 0 से लेके l तक। गलती से भी x x को मत काटना, कांस्टेंट कट सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 है 0 से लेके l तक, और इसकी x स्क्वायर बाई 2 है 0 से लेके l तक। तो ये बनेगा l क्यूब बाई 3, ये बनेगा l स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर आएगा 2l बाय 3 इज द आंसर। ये रहा सेंटर ऑफ मास रॉड का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे।